ये देखो जी, कढ़ी बनाने की विधि। ऐसे मेथी, लहसुन और प्याज काट लो और ऐसे ये रख लो। ये पकौड़ी बना ली हमने कढ़ी के लिए, और ये घोल की है कढ़ी। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, बेसन सब कुछ है, ठीक है। और ये है उसके लिए तेल चढ़ा रखा कढ़ाई में। अब इसमें हम इसको सब ये डाल देंगे, इसमें तेल में ये डालेंगे। फिर उसके बाद जब ये लाल हो जाएगा तब ये डाल देंगे। और ये पकौड़ी पानी में भिगो के रखनी है आपको, फिर निचोड़ निचोड़ के इसमें डालनी है, सॉफ्ट बनेगी बहुत अच्छी, ठीक है जी। कढ़ी कम्प्लीट हो जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे। मतलब सारा बेसन, मट्ठे में बेसन घोलना है, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डालना है, और ऐसे ये सब कुछ तैयार करना है। लहसुन, प्याज और मेथी है, साबुती है, लाल मिर्च, ठीक है। पकौड़ी बनानी है पहले, फिर उसके बाद पकौड़ी बन जाएगी, तेल बच जाएगा, उसमें ये डालना है, फिर उसके बाद ये कड़ी डाल देनी है, ठीक है। फिर पका के उतार लेनी है, जब पक जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। देख लो, भी गोदी मैंने पानी में पकौड़ी और ये आप ये सोच रहे मिर्च तो वैसे थी, वो हरी मिर्च थी, सूख गई थी ना, तो अच्छी सी लग रही थी, और ये मुझे मिल गई थी, फिर वो मुझे मिली थी, ये मिल गई, मैंने वो हटा दी, मैंने ये रख दी। अब देखो इसको इसमें ऐसे डाल दो, ऐसे घुमा दो, ठीक है। फिर अगर मट्ठा काफ़ी आपके पास तो मट्ठा डालो, अब मट्ठा नहीं तो पानी डाल दो। और बाद में जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, तब कड़ी उतारने से 5 मिनट पहले ये पकौड़ी ऐसे निचोड़ कर तब डालनी है इसमें, ठीक है जी। कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहना। फॉलो करोगे तो भाई हिम्मत मिलती है, आप फॉलो करोगे तो आप लोगों की तो हिम्मत हमें मिलती है, आप फॉलो करोगे हिम्मत मिलेगी तब और भी कुछ दिखाऊंगी आपको, जो भी बनाऊंगी नई नई डिश सबको दिखाऊंगी। ये कड़ी है क्योंकि हमारे मम्मी पापा नहीं है तो हमें कड़ी बनानी नहीं आती थी। तो बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा भी हैं पर उन्हें कड़ी बनानी नहीं आती, और बहुत से ऐसे हैं कि बेचारे हमारी तरह अनाथ भी हैं, तो भाई ऐसे बनती है कड़ी, ठीक है। प्लीज़ और फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको मैं आलू के पराठे भी दिखाऊंगी बना के, और चीज़ के पराठे, बस फॉलो कर लेना। ये देखो जी तैयार होगी कड़ी, ठीक है। और ऐसे ये पकौड़ी इसमें डालनी है, निचोड़ निचोड़ कर ऐसे डालनी है, ठीक है जी। मेरे चैनल में नई नई रेसिपी देखने के लिए फॉलो करना मुझे, ठीक है जी। और देखो कड़ी तैयार होगी, ठीक है। फॉलो जरूर करना, आगे जो भी बनाऊंगी मैं आपको, ताकि देख दिख सके, तो इसलिए फॉलो करना मेरे चैनल को।